गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है संडे और बज रहे हैं अराउंड दिन के 11:30। तो ऑब्वियसली आज संडे था तो हम लेट उठे, अभी जस्ट ब्रश व्रश किया है, तो ब्रेकफास्ट का तो कोई सीन नहीं है। अब सीधा होगा संडे ब्रंच, और संडे ब्रंच में हम वही रोटी एक ही रखेंगे, 3-4 सब्जियां थोड़ी थोड़ी लेंगे और बस। और जो टोटल घर में भी आज संडे स्पेशल क्या क्या खाना बनाए वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब फटाफट से नहा लेते हैं, रेडी हो जाते हैं, उसके बाद हम मिलेंगे आपसे संडे ब्रंच में। हाँ जी, तो नहा वहा के हम हो गए हैं रेडी और अब हम चल रहे हैं नीचे और ब्रंच करेंगे। आपको भी दिखाते हैं क्या है हमारे संडे ब्रंच में। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दाल बन गई हुई है, कटहल चढ़ी है, इसमें ढेज की सब्जी चढ़ी थी और यहाँ बना है ये मसाले वाला आलू बैंगन। इन सब में से हम खाने वाले हैं ढेज की सब्जी, बिकॉज उसमें रेशा अच्छा होता है, फाइबर होता है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करने में हेल्प करता है। तो हमारा खाना होगा सैलड, ढेज की सब्जी और एक रोटी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो दिन में ब्रंच करने के लिए हम थोड़ी देर फिर से सो गए थे क्योंकि संडे तो बॉडी को रेस्ट दे रहे थे। उसके बाद शाम को थोड़ा रेडी रेडी होके चिल करने के लिए बाहर निकल आए हम दोनों घूमने। और हम आ पहुँचे थे H2 कैफ़े। ये हम लोगों का काफ़ी गो टू कैफ़े है फॉर स्नैकिंग एंड सम लाइट फूड। हमने दो चीज़ें ऑर्डर की थी, दिलखुश डोसा एक प्लेट और साथ में कॉफ़ी, तो ये आ गया था दिलखुश डोसा। फ्रेंड्स, तो आ गए हैं हम घर। एक्चुअली आज मैंने अपनी डाइटिशियन से बात किया, फिर कुछ अपडेट भी देने थे। जिस हिसाब से मैंने डाइट फॉलो किया था ना, लाइक फॉर 1 वीक 0.8 केजी इज वे लिटिल देन आई एक्सपेक्टेड। तो सब कुछ खाली पेट का वेट, इंचेस वगैरह सब डिस्कस किया डाइटिशियन से, एंड शी सेड दैट डाइट नीड्स सम टाइप ऑफ चेंजेस। उन्होंने फिर से न्यू चार्ट बनाया और हम फिर से वीक 0 से स्टार्ट करेंगे, बट आप आगे कंटिन्यू कर सकते। दिस इज़ फॉर माई बॉडी ओनली, बिकॉज सडनली इतना एक साथ 5-6 kg पुट ऑन हुआ है, तो थोड़ा मुझे ऑल्ट्रेशंस लगेंगे डाइट में। हाँ, बट जिनका धीरे धीरे करके हुआ है, एक सर्टेन वेट गेन है, वो ये डाइट ऑब्वियसली फॉलो कर सकते हैं और आप चालू रखिए, आप मत रोकिए। मैं आपको सिर्फ इसलिए बताई थी क्योंकि कल से मैं कुछ चेंजेस करूंगी और वो क्यों कर रही हूँ तो आपको पता होने चाहिए। और आज हमारी डाइट में था सुबह के ब्रेकफास्ट में सैंडविच, चीज़ सैंडविच, जो कि हमने नहीं खाया, हम ब्रंच ही है, तो हमने अपने नॉर्मल लंच वाला एक रोटी और ढेज की सब्जी और दाल खाया था। शाम को भी जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो सब नहीं लिए, तो अभी बस हम लोग गए थे बाहर, संडे था, कुछ काम था, तो हमने सोचा कि थोड़ी आउटिंग कराते हैं। पूरा हफ्ता तो बस काम 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 इन्हीं सब चीज़ों में जाता है, तो सुबह जो हमने चीज़ सैंडविच नहीं लिया था इसलिए हमने एक दिलखुश डोसा ऑर्डर किया, उसमें 6 आई थिंक कोन आते, तो 3-3 करके हमने खाए और कॉफ़ी ली। तो इस तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप बाहर भी हैं तो आपका डाइट फॉलो हो, एंड दैट्स इट। कल से जो डाइटिशियन ने चेंज किया है मुझे, जब मैं कल ब्लॉग डालूंगी उसमें वो डाइट चार्ट अटैच करके डालूंगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, हम आप और हम दोनों इस जर्नी में साथ हैं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, विच आई एम कीपिंग, एंड आई थिंक आपको भी पेशेंस रखना चाहिए। तो चलिए, आई होप आपका ये वीकेंड अच्छा रहा होगा, आप सब ठीक होंगे, आपके घर वाले ठीक होंगे, हम भी ठीक है, और बस बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।